नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ गई है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एसएससी जीडी में बहुत कुछ अच्छा करके आओगे। इसी प्रोसेस के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं पुराने जो पेपर है एसएससी जीडी में पहले हुए हैं, उनमें से कुछ पेपर मैथ्स और रीजनिंग के हम सॉल्व करवाएंगे। इसलिए मैं आज मैथ्स का पेपर लेके आया हूँ जो आपके साथ यहाँ डिस्कस करूँगा। उसी प्रोसेस में चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ्स का जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आया हुआ है, एक संख्या लिखी हुई है 86335*6 में स्टार के स्थान पर कौन सा एकल अंक आएगा? एकल अंक नियत किया जाएगा ताकि वे 11 से विभाज्य हो। इस क्वेश्चन में आपको एक संख्या दी हुई है 86335*6 और इसमें पूछा गया है कि स्टार के स्थान पर कौन सा एकल अंक आएगा जिसके कारण ये संख्या जो है वो 11 से विभाजित होनी चाहिए। इसको सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या 11 से विभाजित होती है और कौन सी नहीं होती है। तो इसका एक रूल होता है कि जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या के एकांतर अंकों का योग का अंतर या तो शून्य होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। वो सारी की सारी संख्याएं हमेशा 11 से विभाजित होगी। तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे संख्या थी हमारे पास 86335*6, इसके एकांतर अंक जैसे हम लेते हैं तो 5 6 और 5 का योग होता है 11, 11 11 और 3 14, 14 और 8 22। जो एकांतर अंक बच गए स्टार का अभी हमें पता नहीं है यहाँ कौन सा डिजिट आएगा। इसके बाद हम लेते हैं स्टार से 3 3 और 6, टोटल होता है 9, यानी इसमें करते हैं हम -9। स्टार का अभी हमें फिलहाल पता नहीं है, इसकी जगह कर देते हैं प्लस स्टार। तो 22 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो होगी 13। अब 13 में से कौन सी संख्या घटाई जाए, यानी स्टार की जगह आप कौन सी संख्या रखो ताकि वो 11 से विभाजित होगी। तो 13 में से आप स्टार की जगह एक डिजिट रख सकते हैं ताकि वो 11 से विभाजित, यानी 11 या फिर शून्य आना चाहिए। तो आप इस स्टार की जगह रख सकते हो 2। अगर आप यहाँ 2 रखते हो तो 11 से 2 घटाओगे, इसका मतलब आपकी संख्या बचेगी 11, और 11 या शून्य जो बचता है वो सारी की सारी संख्याएं हमेशा 11 से विभाजित होती है। यह आपका पहला क्वेश्चन था। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि दो परस्पर अभाज्य धनात्मक पूर्णांक पूर्णांकों का गुणनफल x होगा का गुणनफल x होगा तो उनका लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा? दोस्तों आपको पता है ये संख्याएं दे रखी है कि अभाज्य धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, जैसे आपसे बोला है कि अभाज्य धनात्मक पूर्णांक, जैसे कोई भी संख्याएं, जैसे मैं दो संख्याएं ले लेता हूँ 6 और 8, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इनका एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, तो हम देखते हैं कि इस 6 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो होंगे 2 और 3, 8 के अगर हम करते हैं तो वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। सबसे पहली हमारी प्रोसेस ये होती है कि जो दोनों में कॉमन फैक्टर आता है उसको लेते हैं। तो दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है 2। उसके बाद अगर कॉमन फैक्टर नहीं आता है तो जो बची हुई संख्याएं होती है उन सबको लिख देते हैं, तो वो होगी 3, फिर इधर बच गई 2 गुणा 2। इस तरीके से हमारा जो यहाँ एलसीएम आ रहा है वो कुल आता है 24। अब अगला इसमें कह रहा है कि दो जो संख्याएं हैं वो अभाज्य है, अभाज्य होगी तो आप सब जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं के फैक्टर नहीं कर सकते, और जो अभाज्य संख्याएं होती है उनमें कुछ भी आपस में कॉमन में नहीं आएगा,
और वो कह रहा है दोनों का गुणनफल x है, तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही करते हैं जब भी दो अभाज्य संख्याएं, जैसे मैंने दो अभाज्य संख्याएं ली, एक ले लिया 3 और एक लिया 2, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, इनके कोई भी फैक्टर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा ही करते हैं, 3 × 2, तो हमारा जो इसका एलसीएम आएगा वो आता है 6। अब वो पहले से ही दे रखा है कि दो अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब ऐसी दो पूर्णांक है जिनमें आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आएगा, और उनका गुणनफल उसने दे रखा है कि x होगा, तो उनका लेसर पे भी हमेशा क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि उनमें आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आना है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देख रहा था, अगला क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति एक कार्य को पूरा करने के लिए राजी हो जाते हैं, 6 व्यक्ति एक कार्य को करने के लिए राजी हो जाते हैं, 6 दिनों बाद जब ठीक आधा कार्य शेष रहता है, 6 दिनों बाद जब ठीक आधा कार्य शेष रहता है, तो उनमें से दो आदमी चले जाते हैं, तो उनमें से दो आदमी चले जाते हैं, बताइए शेष कार्य को 4 व्यक्ति कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। ये क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति एक कार्य को करने के लिए राजी हो जाते हैं, और जब उन 6 व्यक्तियों को काम पर लगाया जाता है तो वो 6 दिनों बाद जब ठीक आधा कार्य शेष रहता है, मतलब 6 दिनों में उन लोगों ने कुल आधा कार्य कर दिया है, तो 6 व्यक्ति 6 दिनों में हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि 6 व्यक्ति और 6 दिन कार्य करते हैं तो उन्होंने कुल 36 काम कर दिया था, और जो कि वो कह रहा है कि कैसा काम था, एक आधा कार्य था, इसका मतलब शेष कार्य भी बचा हुआ कितना है, 36 काम ही बचा हुआ है, और अब उस 36 काम को करने के लिए उनमें से दो व्यक्ति चले जाते हैं, जब दो व्यक्ति चले गए तो शेष व्यक्ति बचे 4, और वो यही पूछ रहा है कि शेष कार्य को बचे हुए 4 व्यक्ति कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, तो काम उनसे करवाना है 36 और व्यक्ति बचे हुए हैं 4, इसका मतलब वो कुल कार्य को 9 दिनों में पूरा कर पाएंगे। इसमें वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस प्रकार कार्य पूरा कितने दिनों में हुआ, कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 6 दिन तो जब 6 व्यक्ति साथ काम कर रहे थे तो वो, और 9 दिन तब लगते हैं जब 2 व्यक्ति चले जाते हैं और 4 व्यक्ति उस काम को करते हैं, तो कुल मिलाकर अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो कुल कार्य पूरा होगा 6 + 9 यानी 15 दिनों में। फिलहाल आपको इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा है कि शेष कार्य को 4 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप इसका सही आंसर करके आओगे, शेष कार्य 36 रहा, उसको 4 व्यक्ति करेंगे, 9 दिन में पूरा करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 व्यक्तियों के लिए एक परिवार में 15 दिनों के लिए ₹3,000 की जरूरत पड़ती है, ₹3,000 की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार एक अन्य तीन व्यक्तियों के परिवार के लिए
30 दिनों के लिए कितनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी? 30 दिनों के लिए कितनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी? क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 व्यक्तियों के लिए एक परिवार में 15 दिनों के लिए 3,000 रुपये की जरूरत पड़ती है, 3,000 रुपये की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार यानी इसी हिसाब से अगर खर्चा किया जाए तो 3 व्यक्तियों के एक परिवार के लिए 30 दिनों के लिए कितनी राशि की जरूरत पड़ेगी? आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 12 व्यक्ति हैं और 15 दिनों का काम बता रहे हैं, उसके लिए उन्हें 3,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब एक व्यक्ति का एक दिन का खर्च आप निकाल सकते हो कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। वो इस तरीके से निकल जाएगा, कुल रुपए हमारे पास है 3,000, उसको बांटना है 12 व्यक्तियों में और वो भी 15 15 दिन के लिए। ठीक इसी प्रकार से खर्च किया जाता है, तो हम मान लेते हैं कि उनका कुल खर्चा होगा एक्स रुपये और वो 3 व्यक्ति हैं और उनका खर्चा करवाना है 30 दिन का, तो उन्हें कितने रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी? तो ये दोनों संख्याएं कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इसको आप सोल्व कर सकते हो यहाँ से, जैसे 15 से इसको काट दिया 2 बार, 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 से ये कट जाएगा 2 बार और 2 से ये कट जाएगा 15 बार। इसका मतलब आप ये पता करके बता सकते हो कि 3 व्यक्तियों के एक परिवार के लिए 30 दिनों का खर्च जो होगा वो होगा 1,500 रुपये। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़े क्वेश्चन जल्दी जल्दी से मिटा रहा हूं, आप इनको रोक रोक कर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 60 मीटर गुणा 40 मीटर के एक आयताकार मैदान के बीच पांच मीटर चौड़ी एक 5 मीटर चौड़ी एक सड़क उसकी लंबाई के समांतर बनी हुई है। 5 मीटर चौड़ी एक सड़क उसकी लंबाई के समांतर बनी हुई है, दूसरी उसकी चौड़ाई के समांतर बनी हुई है, और इतने ही मीटर चौड़ी है दूसरी जो सड़क है, दूसरी उसकी चौड़ाई के समांतर बनी हुई है। उन सड़कों पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, उन सड़कों पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने में कितनी लागत आएगी? बिछाने में कितनी लागत आएगी? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको उस कुल सड़क का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम वैसे जैसा वे बोल रहा है कि आयताकार मैदान है, तो एक आयताकार मैदान बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक आयताकार मैदान है और इस आयताकार मैदान की 60 मीटर इंटू 40 मीटर भुजाएं दे रखी है। इसका मतलब इसकी जो लंबाई होगी वो 60 मीटर हो जाएगी और इसकी चौड़ाई जो होगी वो 40 मीटर हो जाएगी। अब वो बोल रहा है कि इसके बीचों बीच यानी इसके ठीक बीच में एक 5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है। वो इस प्रकार बनाई जाती है कि एक सड़क तो जो होगी वो होगी इसके लंबाई के समांतर। तो ये लंबाई है 60 मीटर, इसके समांतर अगर सड़क होगी तो वो मान लेते हैं कि ये सड़क बनाई और इस सड़क की उसने दे रखी है चौड़ाई वो है 5 मीटर है। दूसरी सड़क के बारे में वो कह रहा है चौड़ाई के समांतर है, तो वो चौड़ाई के समांतर इसके ठीक बीच में इस तरीके से होगी और इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो 5 मीटर दे रखी है। दोनों की जो चौड़ाइयाँ हैं सड़क की वो 5 5 मीटर ही है। तो सबसे पहले तो हमें इस पूरी सड़क का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसको नाम दे देते हैं हम, ये एक आकृति दे देते हैं। इस आकृति को ध्यान से देखना जिसका मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, वो आकृति ये है
5 मीटर चौड़ी सड़क जो बनी हुई है, ये एक आयताकार आकृति हो गई सड़क की, जिसकी चौड़ाई 5 मीटर है, जबकि लंबाई कितनी हो जाएगी, जितनी इस आयताकार मैदान की चौड़ाई है, ये 40 मीटर है, तो ये भी कितनी हो गई, 40 मीटर। तो आकृति एक का आप क्षेत्रफल निकालोगे तो उसका क्षेत्रफल टोटल कितना हो जाएगा, 40 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, 40 गुना 5, यानी टोटल कितना हो गया, 200 वर्ग मीटर। इस आकृति का नाम दो दे देते हैं, जो आकृति पूरी में लाइन फेर रहा हूं उस पर देखना आप, ये लाइनिंग कर रहा हूं। इस आकृति की चौड़ाई भी तो क्या होगी, 5 मीटर ही होगी, जबकि इसकी लंबाई हो जाएगी 60 मीटर, क्योंकि ये लंबाई के समांतर खींची गई है, जो आकृति हम बना रहे हैं दो नंबर, उसकी लंबाई हो जाएगी 60 मीटर और चौड़ाई होगी 5 मीटर। तो आकृति दो का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो वो क्षेत्रफल टोटल हो जाएगा 60 गुणा 5, कुल मिलाकर 300 वर्ग मीटर। यानी एक और दो का कुल क्षेत्रफल जो निकला वो हमारे पास आ गया 500 वर्ग मीटर। लेकिन जब हमने ये आकृतियों का क्षेत्रफल निकाला, तो जब हमने इस आकृति का क्षेत्रफल निकाला तो भी हमारे पास एक कॉमन आकृति आई जो ये थी, और जब हम दूसरी आकृति का क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो उसमें भी ये आकृति कॉमन आ रही थी। इसका मतलब ये दो बार काउंट हो गई है, इसको एक बार हमें वापस हटानी पड़ेगी, और वापस हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल होगा, देखो इसकी चौड़ाई भी कितनी है, 5 मीटर है, और इस आकृति की लंबाई भी कितनी है, 5 मीटर है, यानी ये एक आकृति हो गई वर्गाकार आकृति। और एक वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम निकाल सकते हैं भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर से इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 25 वर्ग मीटर, जो कि दो बार काउंट हुआ है, तो इसको हम इसमें से वापस घटा देंगे, हमारे पास बचेगा 475 वर्ग मीटर क्षेत्रफल बचेगा, जिस क्षेत्रफल पर हमें रोड़ी बिछानी है, और प्रत्येक रोड़ी बिछाने के लिए प्रत्येक वर्ग मीटर का जो खर्चा आ रहा है वो दिया हुआ है हमें 80 पैसे, यानी 80 पैसे प्रत्येक वर्ग मीटर पर रोड़ी बिछाने का खर्चा है। तो कुल खर्च हम दोस्तों इस तरीके से निकाल सकते हैं, कुल खर्च हमारा हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल हमारा है 475 वर्ग मीटर, और खर्चा है 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर, तो कुल मिलाकर यहाँ पर खर्चा आ जाएगा आपका 380 रुपये का, 80 पैसे हैं और आंसर आपका आ रहा है रुपये में, 380 रुपये का। अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को अधिकतम खुदरा मूल्य पर पांच प्रतिशत छूट देकर बेच रहा है, 5% छूट देकर बेच रहा है। तदनुसार यदि अधिकतम खुदरा मूल्य, इसमें दिया हुआ है अधिकतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य मतलब जो एमआरपी हमारे लिखा हुआ होता है प्रोडक्ट पर, उसको कहते हैं 140 रुपये हैं, तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा, उसका बिक्री मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो वहां पे लिखा हुआ होता है कि उसका एमआरपी रेट ये है, और इस पर आपको 10%, 20%, उनके अनुसार जो प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दिया जाता है जिसको हम छूट कहते हैं, छूट दी जाती है, वही ये बात कर रहा है कि एक प्रोडक्ट है जिस पर एमआरपी लिखा हुआ है 140 रुपये, और इस 140 रुपये पर आपको 5% की छूट दे दी जाती है, तो ये आप कितने रुपये में खरीद के लाओगे, यानी बिक्री मूल्य कितना होगा, मतलब आप उसको कितने रुपये में खरीद सकते हो। तो हमें इस 140 का 5% घटा देना है, या फिर 140 का आप डायरेक्ट 95% निकाल लोगे
तो 140 का 95% निकाल सकते हैं, या फिर आप 5% निकाल दो और वो घटा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये 5% निकाल के उसको घटाने वाला आसान रहेगा, क्योंकि 140 का बता सकते हो 10% कितना होगा। 140 का 10% ऐसे निकालते हैं कि कितने रुपए हो जाएंगे, 14 रुपये। आप किसी भी संख्या का अगर 10% निकाल लो तो वो प्रतिशत में आसान हो जाएगी। जैसे मान लो आपको बोल दिया कि 200 का 10% कितना होगा, तो उस डिजिट की लास्ट वाली, उस संख्या की लास्ट वाली डिजिट हटा दिया करो, वो उसका 10% आ जाता है। इसी प्रकार मान लो आपसे यूँ पूछ लिया कि 250 का 10% कितना होगा, तो आप क्या करोगे, उस संख्या की अंतिम डिजिट हटा दोगे, 0 हटा दिया तो बचा 25, ये उसका 10% होगा। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा कि 140 का 10% कितना होगा, तो 140 का 10% निकालने के लिए उस संख्या की अंतिम डिजिट हमने शून्य हटा दी, हमारे पास 10% बता 14। अब 10% 14 होता है तो उसका 5% कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, मतलब 5% कितना होगा, 7 रुपये हो जाएगा। तो आप 140 रुपये वाली मूल्य वाली वस्तु को 7 रुपये कम में खरीद पाओगे, इसका मतलब आप कितने में खरीद पाओगे, 133 रुपये में खरीद पाओगे, तो उस वस्तु का बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा, 133 रुपये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, 5,000 रुपये की, 5,000 रुपये पर 40% की, 40% की छूट और उसी राशि पर 36% तथा 4% की दो क्रमिक छूट के बीच में, दो क्रमिक छूटों के बीच में कितना अंतर होगा। अब जो ये 40% की छूट होती है, या फिर दो तीन चार किसी प्रकार की क्रमिक छूटें दी जाती है, उनमें क्या डिफरेंस है, उनमें डिफरेंस ये होता है कि जैसे आप कहीं भी मार्केट में जाते हो और आपसे ये कह दिया जाता है कि आप जो वस्तु खरीदोगे उस पर आपको 60% की छूट दी जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर वस्तु का मूल्य 100 रुपये है और उस पर आपको इसने 60% की छूट दे दी, इसका मतलब उस वस्तु को आप 40% में खरीद पाओगे, यानी 40% यहां था तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी 100 रुपये की वस्तु को आप कितने रुपए में खरीद पाओगे, 40 रुपए में। तो आपको छूट मिल गई 100 रुपए की वस्तु पर 60 रुपए की। लेकिन जो क्रमिक छूट होती है वो इस प्रकार होती है, जैसे आपको कह दिया कि 50% तथा 20% की दो क्रमिक छूटें दी जाती है। देखने में ये लगता है कि 50 और 20 70% हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये होता है कि 50% और 20% की दो क्रमिक छूटों का मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपए की कोई वस्तु है उस पर आपको पहले 50% की छूट दी जाती है, तो 50% की छूट दे दी, इसका मतलब वो प्रोडक्ट आप 50 रुपए में खरीद पाओगे। फिर वो कह रहा है कि हमने उस वस्तु पर और छूट दे दी है, कितने प्रतिशत की, 20% की, 20% की छूट दी है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट आप अब 80% में खरीद पाओगे। तो निकाल देंगे 80%, यानी 80/100, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये शून्य आउट हो जाएंगे और फिर हमारे पास बचेगा 40 रुपये। यानी यहाँ भी क्या हुआ कि 100 रुपये की वस्तु को आप कितने में खरीद के ला रहे हो, 40 रुपये में खरीद के ला रहे हो। इसका मतलब यहाँ भी आपको छूट कितने की मिल रही है, 60 रुपये की ही मिल रही है। देखो प्रोसेस दोनों अलग अलग थी, यहाँ आपको छूट दे रहे थे 60% की डायरेक्ट छूट जो आपका एमआरपी था उस पर, यहाँ एमआरपी पर आपको छूट तो दे रहे हैं लेकिन दो क्रमिक छूटें दे रहे हैं, एक 50% दूसरी 20%। तो 50% और 20% की जो क्रमिक छूटें होती है उनका मतलब ये होगा कि जो उसका एमआरपी मूल्य होगा उस पे पहले आपको 50% की छूट दी जाएगी, फिर छूट देने के बाद जो मूल्य बचेगा उस पर फिर आपको 20% की छूट दी जाएगी। ये होता है क्रमिक छूट का मतलब। अगर आप देखोगे तो यहाँ तो 70% होता है जबकि यहाँ 60% है, फिर भी आपके मूल्य पर जो भी आपका एमआरपी मूल्य दे रखा है उस पर छूट आपको बराबर दिखाई दे रही है, वही इसके साथ हो रहा है। इसने ये पूछा है कि
5,000 रुपये की वस्तु जो है उस पर आपको छूट दे दी गई है 40% की। इसका मतलब 5,000 रुपये की वस्तु आप खरीद के लाओगे 60% में, तो इस मूल्य को आप सोल्व करोगे तो ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा कि आप उस वस्तु के 3,000 रुपये देकर आओगे। 40% की छूट दे दी तो आप उस वस्तु के 3,000 रुपये देकर आओगे। फिर कह रहा है कि अगर उसी राशि पर आपको 36% और 4% की दो कर्मिक छूटें दी जाती है तो इन दोनों में अंतर क्या होगा। तो फिर हम इस तरीके से निकालेंगे कि 5,000 रुपये की वो वस्तु है उस पर पहले आपको 36% की छूट दे दी जाती है, इसका मतलब आप उसके मूल्य अदा करोगे 64%। फिर वो कह रहा है आपको कि 4% की एक और छूट दे दी जाती है, वो छूट देंगे इस मूल्य पर जो 5,000 का 64% होगा उस पर आपको 4% की छूट दी जाएगी। तो 4% की छूट देने के बाद आपका मूल्य बचेगा 96%, और इसको सोल्व करने के बाद संख्याएं कुछ इस प्रकार से आ जाएगी कि 32 गुणा 96, इसको गुणा करेंगे तो आपके पास संख्या आएगी 3,072 रुपये। यानी इन दोनों के बीच में जो अंतर आपसे पूछा है वो कितने रुपए का आ रहा है, 72 रुपए का अंतर आ रहा है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि एक्स वाई का 25% हो और वाई जेड का 50% हो और वाई जेड का 50% हो तो एक्स अनुपात जेड कितना होगा। तो एक्स अनुपात जेड कितना होगा, आपको तीन अलग अलग संख्याएं दे रखी है और तीनों में जो संबंध होता है वो प्रतिशत में आपको एक संबंध दिखाया गया है। हम देख लेते हैं कि इनको अनुपात में ही बदलना है, तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड ले लिया, इनमें से किसी एक संख्या को मान लेते हैं 100, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में परिपूर्ण होगी तो वो 100% होती है। हम उसमें से किसी एक संख्या को 100 मानकर उनमें वापस संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यूं मान लिया कि ये कह रहा है एक्स वाई का 25% है और वाई जेड का 50% है। नॉर्मली जो संख्या रिपीट होती है उसको 100 मान ले पर क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा वाई है वो 100% है। अब ये कह रहा है एक्स वाई का 25% है, सॉरी एक्स वाई का 25% है, यानी एक्स जो होगा उसकी वैल्यू इस वाई की जो संख्या होगी उसकी 25% होगी। तो वाई कितना है, वाई है 100, 100 का 25% कितना होगा, 100 का 25% 25 ही होगा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। फिर अगला कह रहा है कि y जो है वो z का 50% है। z का 50% का मतलब ये होता है कि y का मान z का जितना भी मान होगा उससे आधा होगा, 50% का मान होगा उससे आधा होगा। इसका मतलब ये जो 100 है वो इस z की वैल्यू से आधी है, तो हम ये कह सकते हैं कि z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। अब हमें सबकी वैल्यू पता है, आपसे ये पूछा है कि बताइए x अनुपात z क्या होगा, तो x की वैल्यू आपको बता है कितनी, 25 होगी, जबकि z कितना है, 200 है। तो आप इसको काट के अनुपात निकाल सकते हो, 25 से ये एक बार कट जाएगा और 25 से ये 8 बार कट जाएगा, तो x अनुपात z जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि पांच क्रमिक संख्याओं का औसत है, पांच क्रमिक संख्याओं का औसत 61 है, 61 है। तदनुसार उनमें अंतिम तीन, तदनुसार उनमें अंतिम तीन संख्याओं का औसत क्या होगा। आपसे यही पूछा है कि तदनुसार उनमें अंतिम तीन संख्याओं का औसत क्या होगा।
पहले आप ये कर सकते हो कि इनमें जो संख्याएं हैं वो संख्याएं कितनी होगी, आप ऐसे निकाल सकते हो कौन सी संख्याएं होगी। जैसे ये कह रहा है पांच क्रमिक संख्याएं, यानी पांच संख्याएं जो है वो लगातार संख्याएं हैं, उनका औसत जो है वो आपको दिया हुआ है कितना है 61। इसका मतलब औसत हमेशा जो भी संख्याएं होती है उनकी बीच वाली संख्या होती है। तो पांच लगातार संख्याओं की बीच वाली संख्या कौन सी दी हुई है, 61 दे रखा है, यानी 61 है। इसका मतलब एक संख्या तो कौन सी हो गई, 61 खुद हो गई। इनके अलावा आपको और संख्याएं कितनी चाहिए, चार संख्याएं चाहिए। तो चार संख्याएं, हमें यह भी पता है कि इन पांच संख्याओं में बीच वाली संख्या 61 है, तो वो चार संख्याएं हो जाएगी, दो इसके आगे वाली और दो इसके पीछे वाली, तभी तो 61 जो है वो औसत रहेगा, और औसत हमेशा उन सभी संख्याओं का माध्य होता है, बीच वाली संख्या होती है। तो इसकी जस्ट आगे वाली संख्याएं हो जाएगी 62 और 63, इससे पहले वाली संख्याएं हो जाएगी 60 और 59। यानी ये हमारी वो पांच संख्याएं हैं जिनका औसत आप निकालोगे तो कितना होगा, 61 होगा। ये पांच संख्याएं जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है उनका औसत 61 है। अब वो कह रहा है कि यदि उनमें अंतिम तीन संख्याएं ली जाए, उनमें से अंतिम तीन संख्याएं ली जाए, इसका मतलब वो अंतिम तीन संख्याएं कौन सी लेने की बात कर रहा है, वो इन तीन संख्याओं की बात कर रहा है। अंतिम तीन संख्याएं कौन सी है, 61, 62 और 63। फिर बोल रहा है कि उनका औसत कौन सा होगा। मैंने अभी आपको बताया औसत का मतलब होता है दी गई संख्याओं का माध्य, तो इन संख्याओं का माध्य कौन सा हो जाएगा, 62। तो अंतिम तीन संख्याओं का औसत कौन सा हो जाएगा, 62 हो जाएगा। मान लो वो ये पूछ लेता आपसे कि उनकी प्रारंभिक तीन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते थे प्रारंभिक तीन संख्याएं कौन सी होगी, 59, 60 और 61, तो उनका औसत कितना हो जाता, 60 हो जाता। लेकिन फिलहाल आपसे ये पूछ रहा है कि अंतिम तीन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अंतिम तीन संख्याएं हैं 61, 62 और 63, तो उनका माध्य जो होगा, औसत जो होगा वो होगा 62। आपका राइट आंसर होगा 62। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहे हैं कि आठ व्यक्तियों का औसत भार आठ व्यक्तियों का औसत भार उस समय 2.5 किलोग्राम कम हो जाता है, उस समय 2.5 किलोग्राम कम हो जाता है जब एक व्यक्ति जिसका भार 77 किलोग्राम था, कम हो जाता है जब एक व्यक्ति जिसका भार 77 किलोग्राम है के स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है, के स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है, उस नए व्यक्ति का भार बताइए। तो अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों ये था कि आठ व्यक्तियों का औसत भार उस समय 2.5 केजी कम हो जाता है जब एक व्यक्ति जो है वो 77 केजी का व्यक्ति है वो चला जाता है और उसकी जगह एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है जिसका भार हमें ज्ञात करना है। इस कारण से 2.5 केजी औसत में से कमी हो जाती है। मतलब जो आठ व्यक्ति थे, व्यक्ति तो वो आठ ही रहते हैं, उन आठ में से एक व्यक्ति जाता है और उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ जाता है, जिसके कारण जो औसत भार था उसमें 2.5 केजी की कमी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 77 केजी का व्यक्ति गया था उसकी जगह जो वापस आएगा व्यक्ति वो कम भार का होगा, तभी तो औसत में गिरावट आएगी। यदि वो 77 केजी का ही होता तो औसत में कोई भी बदलाव नहीं आता, जितना औसत था वही रहता। लेकिन वो 77 से यदि अधिक हो जाता तो औसत बढ़ता। लेकिन यहां हो रहा है कि औसत में कमी हो रही है, और वो कमी भी कितनी हो रही है, 2.5 केजी की। अब औसत में 2.5 केजी की कमी हो रही है, इसका मतलब आठ व्यक्ति है और आठों में से प्रत्येक व्यक्ति के वजन में 2.5 केजी की कमी हो रही है, तो कुल मिलाकर होने वाली कमी जो होगी आपकी ये हो जाएगी
प्रत्येक व्यक्ति में 2.5 केजी की कमी हो रही है, तो 8 व्यक्तियों में कुल कमी कितनी हो जाएगी, 20 केजी की कमी हो जाएगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आने वाला व्यक्ति था वो जाने वाले व्यक्ति के वजन से 20 केजी कम वजन का था। तो आप इसमें से 20 माइनस कर दोगे और आपका आंसर आएगा 57 केजी। इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया था उसका भार था 57 केजी का। आपका अगला क्वेश्चन यह है, दस मैचों में सौरभ का औसत स्कोर 47.8 है। यदि उसके पहले 6 मैचों का औसत औसत 42.5 हो तो शेष मैचों का औसत बताइए, शेष मैचों का औसत बताइए या क्या होगा। अब हम ये निकाल सकते हैं कि कुल जो औसत है वो 47.8 है उसके 10 मैचों का। इसका मतलब उसके द्वारा बनाए गए कुल रन होगा या कुल स्कोर जो होगा वो होगा 10 × 47.8। आप ये कह सकते हैं कि उसने 10 पारियों में या 10 मैचों में कुल जो रन बनाए वो थे 478 यानी 478 रन। अब वो कह रहा है कि उन्हीं मैचों में से प्रथम जो 6 मैच थे, पहले 6 मैच, उनका औसत जो है वो 42.5 था। इसका मतलब उसने उन 10 मैचों में से जिनमें उसने कुल 478 रन बनाए थे उनमें से पहले 6 मैचों में उसने कुल रन कितने बना लिए। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे 255 रन, यानी उसने प्रथम 6 मैचों में कुल 255 रन बना लिए थे। इसका मतलब जो बाकी के रन थे 478 में से 6 मैचों में उसने 255 रन बना लिए, तो जो बाकी के रन थे वो उसने उन 4 पारियों में बनाए हैं और उन्हीं 4 पारियों का आपसे औसत पूछा है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं औसत कितना हो जाएगा, 3, 2 और 2, यानी कुल 223 रन, कुल 223 रन उसने 4 पारियों में बनाए हैं। तो आपका औसत क्या हो जाएगा, 57.75। यह आपका उसका शेष 4 पारियों का औसत आ जाएगा। आपको जो भी शेष रन थे कुल रन, यानी ये कुल रनों की संख्या और ये उसके द्वारा खेले गए मैचों की संख्या, इससे आप आसानी से औसत निकाल सकते हैं, क्योंकि औसत ये होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कुल योग 223 है और कुल पारियों की संख्या 4 है, तो कुल औसत आ जाएगा आपका 57.75। अगला क्वेश्चन है आपका, सेबों को ₹2 में 3 की दर से खरीदकर ₹3 में 6 की दर से बेचा गया, तदनुसार हानि प्रतिशत कितना रहा। आपसे पूछा है कि हानि प्रतिशत कितना रहा, इसमें आपको निकालना है हानि प्रतिशत कितना था। तो दोस्तों इसमें सेबों को ₹2 में 3 की दर से खरीदा था और ₹3 में 6 की दर से बेच दिया था। तो जब भी हम लाभ हानि ज्ञात करते हैं तो हमें वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात होना चाहिए, उसके अनुसार ही हमें लाभ अथवा हानि का पता चलेगा। तो क्रय मूल्य मतलब वो कह रहा है 2 रुपये की 3
2 रुपए में 3 की दर से वस्तुएं खरीदकर, खरीदकर मतलब क्रय की गई, तो वो हो गया उसका क्रय मूल्य। तो 2 रुपए की 3 वस्तुएं खरीदी गई, तो ये जो मैंने 2/3 लिखा है, ये एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। फिर उनको बेचते समय 3 रुपए की 6 वस्तुएं बेची गई, ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। तो अब आप इसको इस तरीके से तो सोल्व कर नहीं सकते, तो इसका थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। इजी करने के लिए आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो इन दोनों का नीचे वाली जो संख्याएं आपको दे रखी है इनका आप एलसीएम ले लीजिएगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जो नीचे वाली संख्या इसको इधर गुणा कर दीजिएगा और इस नीचे वाली संख्या को इधर भेज के गुणा कर दीजिएगा। तो 3 को गुणा कर दिया हमने 3 से, और इधर 6 को गुणा कर दिया 2 से। तो 6 को 2 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 12, और 3 को इससे गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 9। यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12 और विक्रय मूल्य जो है 9 है। ये अनुपात आप बदलना चाहते हो तो ऐसे बदल सकते हो, 3 से ये 4 बार और 3 से ये 3 बार। यानी जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात होगा वो होगा 4:3। अब हमने कोई वस्तु खरीदी थी 4 रुपये में, उस वस्तु को हम बेच रहे हैं 3 रुपये में, इसका मतलब हमें हो रही है हानि। क्या हो रही है? हानि हो रही है, और हानि हो रही है 1 रुपए की। कितने रुपए की हानि हो रही है? 1 रुपए की। हानि अथवा लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो हानि हो रही है 1 रुपए की, और 1 रुपए की हानि हमें हो रही है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया है? 4, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। इसका मतलब कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? 25% की हानि हो रही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से है। एक फल विक्रेता ₹10 में 15 संतरों की दर से, ₹10 में 15 संतरों की दर से कुछ संतरे खरीदता है, उन्हें ₹10 प्रति दर्जन की दर से, उन्हें ₹10 प्रति दर्जन की दर से बेच दिया जाता है। विक्रेता का लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा? विक्रेता का लाभ अथवा हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी पहले डिस्कस किया था। वो कह रहा है कि एक फल विक्रेता ₹10 के 15 संतरों की दर से कुछ संतरे खरीदता है, और उन्हें बेचते टाइम वो ₹10 प्रति दर्जन, एक दर्जन में कुल जो संतरों की संख्या होगी वो 12 होती है। कुल जो आइटम होते हैं किसी भी दर्जन में वो होते हैं 12। अब इसमें भी वही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आपको जाना होगा। ₹10 में 15 संतरे खरीदता है, इसका मतलब ₹10 के 15 संतरे, और विक्रय मूल्य में भी वही हो जाएगा, ₹10 के 12 संतरे वो बेच देता है, तो ₹10 के 12 संतरे हो गए। इसको आप सोल्व कर सकते हैं आराम से। ये इधर से 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आप 3 से इसको 5 बार काट सकते हो और 3 से इसको 4 बार काट सकते हो। जो नीचे वाली संख्या है वो इधर गुणा में आ जाएगी, तो 4 और इधर आ जाएगा 5। यानी इनके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 4:5। हम ऐसे कह सकते हैं किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 4 होगा तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो रहा है? 5। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4 है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 5 होगा। अगर ऐसा होता है तो हमें देखो ₹4 में कोई वस्तु खरीद कर कितने में बेच रहे हैं? 5 में। इसका मतलब हमें इसमें लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ कितना हो रहा है। हमें इसमें लाभ हो रहा है ₹1 का, और लाभ अथवा हानि, वही बात, लाभ अथवा हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो क्रय मूल्य यहाँ कितना है? 4, और गुणा कर देंगे 100 से। इसका मतलब यहाँ हमारा लाभ हो जाएगा, और लाभ हो जाएगा 25%।
क्वेश्चन समझने की जरूरत है, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, लैंग्वेज को समझकर आप आराम से इनको सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, दूध का मूल्य ₹14 प्रति लीटर से, ₹14 प्रति लीटर से बढ़कर ₹15.40 प्रति लीटर हो गया है, ₹15.40 प्रति लीटर हो गया है। आपसे इसमें पूछा है उसके आरंभिक मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उसके आरंभिक मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूध का मूल्य जो था वो आरंभिक मूल्य था ₹14 प्रति लीटर, और उसके बाद उसको बढ़ाकर कर दिया जाता है ₹15.40 प्रति लीटर। इसका मतलब उस मूल्य में कुछ ना कुछ वृद्धि हो रही है। आपसे ये पूछा है कि उसके मूल्य में वृद्धि जो हुई है वो कितने प्रतिशत की हुई है। तो आरंभिक मूल्य आपका था ₹14 प्रति लीटर, अब उसको बढ़ा दर कर दिया गया है ₹15.40 प्रति लीटर। इसका मतलब आपके इस मूल्य में वृद्धि हुई है 1.40 की, 1.40 की ये वृद्धि हो रही है। और वृद्धि हमेशा किस पर हुई है, आरंभिक मूल्य पर। तो आरंभिक मूल्य कितना है 14, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए आप किससे गुणा कर दोगे, 100 से। इस कैलकुलेशन को आप सोल्व करोगे तो आपका आएगा 10%, यानी जो आपकी वृद्धि है वो हो गई है 10% की वृद्धि हो गई है। और वृद्धि किस पर हुई है, आरंभिक मूल्य पर, जो आपसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन S1 से स्टेशन S2 तक, स्टेशन S1 से स्टेशन S2 तक सीधे रास्ते से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की एक समान गति से 90 मिनट में पहुंच जाती है, गति से 90 मिनट में पहुंच जाती है। आपसे पूछा है S1 से S2 के बीच की दूरी क्या है, S1 से S2 के बीच की दूरी क्या है। दोस्तों कभी भी दो जगहों के बीच की आपको दूरी निकालनी हो तो आप हमेशा उनकी सीधी दूरी नापोगे, हमेशा सीधी दूरी मापोगे। इसीलिए आपको इसमें दे रखा है कि स्टेशन S1 से स्टेशन S2 तक एक सीधे रास्ते से जाते हैं, रेलगाड़ी की जो एक सीधा रास्ता है वो स्टेशन S1 से स्टेशन S2 तक जाती है। इसका मतलब आपके S1 और S2 के बीच की जो दूरी होगी वो S1 और S2 के बीच की जो दूरी होगी वो जितनी रेलगाड़ी चलेगी उतनी ही दूरी होगी। रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 90 मिनट में ये पूरी दूरी तय कर जाती है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि जो रेलगाड़ी है वो 60 मिनट में 50 किलोमीटर चली है, 60 मिनट में 50 किलोमीटर चली है। अब वो 90 मिनट में कितनी चलेगी, जो रेलगाड़ी 60 मिनट में 50 किलोमीटर चली है वो रेलगाड़ी 30 मिनट में कितनी चलेगी। पहले 60 मिनट में 50 किलोमीटर चल गई, अब 30 मिनट में और कितनी चल जाएगी, 30 मिनट में वो 25 किलोमीटर चल जाएगी। इसका मतलब टोटल मिनट कितनी हो गई, इधर हो गई 90 मिनट और ये जो टोटल दूरी होगी वो कितनी हो गई, 75 किलोमीटर।
यानी उन दोनों S1 और S2 के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 75 किलोमीटर हो जाएगी। आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं कि जो रेलगाड़ी 60 मिनट में 50 किलोमीटर चलती है वो 90 मिनट में कितनी चलेगी। तो 50 किलोमीटर बटा 60 गुणा कर देंगे 90 से, इस तरीके से सोल्व करने पर भी आपका आ जाएगा 75 किलोमीटर, यानी S1 और S2 के बीच में कुल दूरी जो होगी वो 75 किलोमीटर होगी, क्योंकि 90 मिनट चलने के बाद एक रेलगाड़ी S1 से S2 तक पहुंचती है और रेलगाड़ी की चाल आपको दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुल दूरी दोनों स्थानों के बीच की हो गई 75 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक धनराशि, एक धनराशि और उस पर 5 वर्षों का ब्याज, और उस पर 5 वर्षों का ब्याज का अनुपात, ब्याज का अनुपात 5:3 है। उस पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है, उस पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर जो होगी वो ज्ञात करनी है, ये आपसे पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ऐसे भी मान सकते हैं कि एक धनराशि और उस पर 5 वर्षों का ब्याज, समय आपको दिया हुआ है 5 वर्ष और उस पर 5 वर्षों का ब्याज, तो आप ऐसे मान सकते हैं कि वो धनराशि मान लिया 5 रुपये ही होगी और उस पर 5 वर्षों का जो ब्याज होगा वो मान लिया 3 रुपये होगा। तो आप उस फॉर्मूले से भी आराम से बात कर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कि साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो ये होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर और अपॉन में होगा 100। आप इससे इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 5 वर्षों का ब्याज 3 रुपये, तो ब्याज 3 रुपये हो गया। मूलधन कितना मान लिया हमने, 5 रुपये ही मान लिया, मूलधन 5 ही हो गया। समय उसने अगले ने दिया है कितने वर्षों का, 5 वर्षों का, और दर आपको ज्ञात करनी है, अपॉन में दिया हुआ है आपको 5 × 5 जो होंगे 25 हो जाएंगे और 25 से ये कट जाएगा 4 बार, और 4 जो यहाँ है वो इधर आएंगे तो गुणा हो जाएगी 3 × 4, इधर रह जाएगा आपका दर, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, और ये आपकी ज्ञात हो जाएगी दर। दर हमेशा किस में होती है, प्रतिशत में होती है। इसका मतलब उस 5 वर्ष में उस धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर लगी होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये एक थोड़ा चार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं चार्ट बना देता हूं। इसमें कुछ आयु वर्ग दिए हुए हैं आपको, और इधर आयु वर्ग वाले व्यक्तियों की संख्या दे रखी है प्रतिशत में। पहला दे रखा है 15 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, 15 वर्ष तक कुल व्यक्तियों की संख्या जो है वो 30% है। दूसरा दिया हुआ है 16 से 25 तक, 16 से 25 तक उन व्यक्तियों की संख्या होगी 17.75। फिर 25 से 26 से 35 तक उन व्यक्तियों की कुल संख्या दे रखी है 17.25। फिर आपको दे रखा है 36 से 45 तक उन व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या है 14.50। फिर आपको दे रखा है 46 से 55 तक और उन व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या है 14.25। और उसके बाद इरका आपको 56 से 65 तक उन व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या है 05.12 और 66 तथा अधिक वालों की संख्या दे रखी है 01.13%, और कुल आपको दे रखा है योग, टोटल योग जो है वो 100% है। कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न तालिका में एक राज्य की विभिन्न आयु वर्ग की कुल जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाया गया है, इस तालिका का अध्ययन करके प्रश्न संख्या इनके आंसर देना है। तो
तो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो क्वेश्चन इस प्रकार है, उस राज्य में किस आयु वर्ग की जनसंख्या, उस राज्य में किस आयु वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक है? आप आसानी से बता सकते हो कि किस आयु वर्ग की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 16 से 25, 26 से 35, 36 से 45 और 15 वर्ष तक। यहाँ प्रतिशत संख्या दे रखी है और इस क्वेश्चन को देखकर आप आसानी से बता सकते हैं किस आयु वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इसमें देखते हैं सर्वाधिक प्रतिशत संख्या किसकी दे रखी है। ये तो आपको कुल योग दिया हुआ है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, 100% नहीं करके आना है, योग इनमें से ढूंढना है। इनमें सबसे ज्यादा प्रतिशत संख्या आपको दे रखी है 30%। 30% से ज्यादा कोई सी भी जनसंख्या नहीं है। और 30% जनसंख्या कौन किन लोगों की है, वो लोग है 15 वर्ष तक के। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा 15 वर्ष तक के। कितना हो जाएगा? 15 वर्ष तक के। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि 16 से 65 के आयु वर्ग में जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। आयु वर्ग में जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो देखिए दोस्तों, 16 से 65 का देखना है, यानी 16 यहां से शुरू हो रहा है, 16 से 65 तक, मतलब यहां तक आपसे ये पूछा है कि इस ग्राफ में जो आ रहे हैं उन टोटल लोगों की जनसंख्या प्रतिशत कितना होगा। तो आप या तो एक काम करिए, इन सबको जोड़ दीजिएगा, या फिर आपको पता है कि कुल जनसंख्या 100% है, उस 100 में से 30 तो ये हमारे इस ग्राफ में नहीं आ रहा है जो हमसे पूछा गया है 16 से 65 का, वो 30 तो ये और 1.13 ये, यानी ये दोनों जो है वो हमारे उस क्वेश्चन में नहीं आ रहे जहां हमें 16 से 65 का आयु वर्ग पूछा गया है। तो आप इस 100 में से 31.13 घटा सकते हैं। अगर आप 100 में से 31.13 घटाओगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 68.87%। यानी 16 से 65 के आयु वर्ग में जनसंख्या का प्रतिशत जो होगा वो कितना हो जाएगा, 68.8%। धन्यवाद दोस्तों, आज क्वेश्चन काफी क्वेश्चन डिस्कस किए।